तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी टोक्यो में, जापान में, और आज हम जा रहे हैं नॉर्थ जापान, जिसको कहते हैं सब लोग होकाइडो कह देते हैं, सपोरो कह देते हैं। तो मतलब वो पूरा प्रिफेक्चर है जो कि है नॉर्थ जापान। और मतलब मैं पिछली दो बार से जा नहीं पाया था, क्योंकि पहली बार तो मतलब नॉर्मली घूमते घूमते वीज़ा ख़त्म हो गया, दूसरी बार थोड़ी वीज़ा की दिक्कत आ गई। तो इस बार तीन चार दिन इस वाले टूर से निकाल के हम जाएंगे सपोरो घूमने, और मे बी नॉर्दर्न मोस्ट जो गांव है इनका वहां भी जाएंगे। तो इस रूट पे जो है ना, टोक्यो से सपोरो डायरेक्ट बुलेट ट्रेन तो नहीं चलती, पर जो होकाइडो प्रिफेक्चर में है वहां तक बुलेट ट्रेन चलती है, तो वो हमको पहुंचा देगी वहां पे। और वो वाली बुलेट ट्रेन है, दो खासियत है इस बुलेट ट्रेन में। एक तो है भाई कि ये है, बारिश हो रही है भाई आज टोक्यो में। एक तो है भाई कि ये है जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, मतलब इस रूट पे जो चलती है ये है वाली फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन चलाई जापान में, और इसका नाम रखा है हायाबुसा। जो मतलब बाइक आती है ना इंडिया में हायाबुसा के नाम से, यहाँ पे भी आती होगी ऑफकोर्स की बात है। उसका मतलब होता है हायाबुसा का मतलब फैल्कन, मतलब जो पंछी होता है ना जो बहुत तेज उड़ता है, तो उसके नाम पर रखी है। और दूसरी खासियत है ये एक टनल में से जाती है, जो कि टनल है कुछ शायद 54 किलोमीटर से लंबी, और वो है समुंदर के नीचे से। तो ये दोनों चीज़ हम देखते हैं। और इस वाली बुलेट ट्रेन में एक और खासियत है कि इसमें ना एक स्पेशल कार भी है, स्पेशल मतलब कोच है, जिसमें एक तो नॉर्मल जिसमें हम जाते हैं ऑर्डिनरी पास लिया है, उसके ऊपर आता है ग्रीन पास, ग्रीन वाली में थोड़ा खाना वाना दे देते हैं। और इस वाली में है ग्रैंड क्लास, मतलब वो बहुत ही महंगा है। यहाँ से होकाइडो की नॉर्मल टिकट ग्रैंड क्लास की आती है 40,000 येन की, और अगर मेरे पास पास है ऑर्डिनरी वाला तो 12,000 येन का डिस्काउंट मिल जाता है 28,000 येन की, और ग्रीन कार वाला पास होगा तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखता हूँ मैं वो लेता हूँ नहीं लेता, मे भी आते वक्त दूँ उसको, अभी जाते वक्त नॉर्मल में ही चले जाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं टोक्यो स्टेशन पे, और वहाँ से हम लेंगे टिकट्स। और ये जो पॉड्स लगे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग ना इसको रेंट करके इसमें चुपचाप काम करते रहते हैं। वहाँ पे कॉइन लॉकर्स हैं, अपना सामान रख दो, कितने सारे हैं। और देखो अब हमको करानी है अपनी टिकट रिज़र्व, मतलब वैसे तो हम बिना टिकट के भी जा सकते हैं क्योंकि पास है, पर रिज़र्व कराना ऑलवेज बेटर रहता है क्योंकि आपको कन्फर्म सीट मिलती है और पास पे फ्री है रिज़र्वेशन, तो आपको टेंशन की बात भी नहीं कि पैसे वैसे देने पड़ेंगे। हाँ, JR पास स्कैन करना होता है और फिर डालना होता है पासपोर्ट नंबर। ने कर दी 9:36 पे टोक्यो से चलेगी हायाबुसा नंबर 13, और वहाँ से जाती है यहाँ तक शिन हाकाकोटू होकोटू, और वहाँ से जाएगी सपोरो। ये सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों टिकट्स यहीं पे हम रिज़र्व कर देते हैं। ओके ओके, कन्फर्म। इसमें भी कोई कर दे भाई, तेरी मर्जी है, वो दोनों की इकट्ठी करेगा, मतलब ऐसे नहीं करेगा। और अगर इकट्ठी नहीं होगी तो पूछ लेता है। हाँ, ले पूछ लिया, ओ, पूछ लिया। अच्छा, इस वाली में नहीं है बस, ठीक है, ओके टू स्प्लिट ग्रुप कर दे दूसरे नंबर पे भाई। तो अब जो दूसरी ट्रेन में सीट हमारी अलग अलग होगी, अलग अलग कैसे होगी कि एक किधर हो जाएगी किधर हो जाएगी, आगे पीछे सेम डब्बे में ही यहाँ प्रिंट होती है, चारों टिकट एक साथ आएंगी। तो हमने अपना पास यहाँ पे स्कैन कर दिया था, इसके बाद तो हमने पैसे कोई भी नहीं दिए इसके, जीरो, बस पैसा जब दिया था ना शुरू में वही है। ये आ गई चार टिकट, चलो चलो चलते हैं। यहाँ पे भी शिनकानसेन ट्रैक्स हैं, पर आपको इसमें नहीं घुसना, ये टोकाइडो वाली नहीं जाती, सानियो वाली भी नहीं जाती, क्योंकि ये वाली जाती हैं नागोया, क्योटो, शिनोसाका, हिरोशिमा, साउथ में जाती हैं ये। तो हमको नॉर्थ जाने वाली बुलेट ट्रेन ढूंढनी है, आपको हायाबुसा बुलेट ट्रेन ढूंढनी है ना भाई, मतलब नॉर्थ जाने वाली, तो ग्रीन कलर का साइन है भाई नॉर्थ जाने वालों का ना, और साउथ जाने वालों का है ब्लू कलर का, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। ये लिखी हुई अपनी 9:36 पे हायाबुसा 13 शिन हाका होडोटे होटोकु ट्रैक 22 पे आएगी। ये जो वन और सेकंड डिपार्चर लिखा है ना, मतलब कई बार क्या होता है कि इसी ट्रैक से दो ट्रेन जानी होती हैं 10 मिनट गैप में, 5 मिनट के गैप में, तो जो पहले वाले डिपार्चर में जा रहे हैं जिनकी पहले आएगी वो यहाँ खड़े हुए हैं और दूसरे वाले यहाँ खड़े हुए हैं सेम उस ट्रैक के लिए। और वो खड़ी है भाई अपनी शिनकानसेन जो ओसाका हिरोशिमा साइड चलती है। हमको जाना है हायाबुसा में, नॉर्मल वाली में नहीं जाना इस बार। 9:36 पे आएगी, अभी थोड़ा है, 10-15 मिनट है अभी। ये नहीं है ये वाली, मतलब ऐसी आएगी हमारी,
ये जो हायाबुसा नंबर 4 आई है, ये ग्रीन कलर में आएगी हमारी, इसका नंबर है 4। ट्रेन की चोंच है ना ये, ऐसे खुल जाती है, और वैसे ही अगर जोड़नी हो तो और ट्रेन भी जोड़ सकते हैं इसमें चोंच खुलने के बाद। तो यही है हायाबुसा 13 वाली हमारी, नहीं ये आई थी अभी, यही कन्वर्ट हो गई। और यही है ग्रैंड क्लास, देखो भाई इसमें से अगर टाइम मिला तो इसमें ट्रैवल करेंगे, मगर टाइम नहीं, पैसों ने वो परमिशन दी तो। देवांग दे दे यार मेरे को, दे देगा? देखा देवांग कितना अच्छा है। तो अब हम चलते हैं अपनी कार की तरफ। तो हम सुबह सुबह जल्दी गए थे, अभी चिकन एग सैलड टाइप मिला है तो, और मिल्टी। और यहाँ पे देखो कितना ट्रस्ट पे चलता है मामला, यहाँ से आप चीज़ें उठा लो, ठीक है, उठा लिया अपनी चीज़ें, और पेमेंट वहाँ से घूम के वहाँ करनी है उस दुकान पे। तो चाहे तो भाई को यहाँ से उठा के एकदम से ट्रेन में भग जाएगा, पर ऐसा करते नहीं है लोग। तो देखो सारे फ्रिज मतलब खुले हुए हैं, आपको जो चाहिए यहाँ से उठा सकते हो। और ये वाला साथ गर्म वाला था फ्रिज, तो ये ठंडे वाला है, बंद कर देते हैं, पता नहीं कोई खोल के चला गया। ट्रेन मैंने पहले भी दिखाया था, देखो अभी अभी लगी थी, और एक क्लीनिंग का बोर्ड लगा दिया था कि हम क्लीन कर रहे हैं, तो क्लीन करते ही पैसेंजर्स को लोड कर देंगे। और इनके साथ होता है कुछ क्लीन करने का, ओ देखो बाव भी करके गए हैं, तो इनका होता है कुछ 10 से 15 मिनट क्लीन का, और उसके बाद अगली ट्रेन बन जाती है हायाबुसा 13 जो हमारी है। चलने में बचे हैं बस 2 मिनट, और 2 मिनट पहले ही खोलते हैं हर बार दरवाजे, ये नहीं कि जल्दी बोर्ड कर लो या आधे घंटे से लगी हुई है ट्रेन, भाई 2 मिनट पहले बस, चाहे कितना ही मेन स्टेशन हो, टोक्यो हो, ओसाका हो, कुछ हो, 2 मिनट ही रुकेगी ट्रेन बस। हमने बस जैकेट टांगी ही थी, मतलब आके बैठे थे, खोला भी नहीं कुछ अभी तक, और ट्रेन चल चुकी है, 9:36 पे चल गई है ट्रेन। और हमारे पार्टनर आज हैं जैपनीज अंकल जी, चाचा जैपनीज चाचा, और है तो सीट खाली, मैं कह रहा था सेलेक्ट कर ले, यही कहता हर बार कि एनी सीट ओके, एनी सीट ओके, हर बार खाली खाली चलती रहती है। एक दो बार क्या हुआ कि भाई हमको विंडो सीट ही दे दी उसने, इसको लगा हर बार देता है वो, कंप्यूटर नहीं दिया आज इस बार। टोक्यो में रुकती है एक स्टेशन पे, टोक्यो और ओमिया, मतलब अगर आप ओमिया से चढ़ते हो, ओमिया भी एक तरह से टोक्यो में ही है, उसके बाद रुकती है ये 2 स्टेशन पे। अभी एक पे रुकती है सेंडाई था, एक आया है मारियोका, इसके बाद आएगा स्टेशन आओमोरी, शिनाओमोरी करके वहाँ रुकेगी, और फिर जाएगी पानी के नीचे से, मतलब समुंदर के नीचे से, और फिर इसका लास्ट स्टॉप है बुलेट ट्रेन का शिन होका होडू होकुना, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम है। तो बस 1 मिनट रुकेगी यहाँ पे, चल लेंगे फिर। तो भाई जो मैं आपको समझा रहा था, ये बुलेट ट्रेन चलती है टोक्यो से, यहाँ से चलती है ये, और गूगल पे भी बुलेट ट्रेन की लाइंस आपको दी जाएंगी, जो ये लाइन जा रही है ना ये वाली है बुलेट ट्रेन की लाइन है, ठीक है। और ये जाती है सेंडाई मारियोका, यहाँ पे आएगा आपका शिन आओमोरी स्टेशन, और इसके बाद जाते हैं यहाँ से पानी के नीचे से यहाँ तक, और फिर आता है यहाँ पे शिन हाका हाकोडेटे स्टेशन, यहाँ तक जाते हैं। देखो लाइन भी आ रखी है ब्लू ब्लू कलर की, जो होगी ना लाइन, ये ब्लू वाइट ब्लू वाइट, ये शिनकानसेन की लाइन होती है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन आखिरी स्टेशन पे रुक चुकी है, और अभी टनल की तरफ जा रही है, और टनल है कुछ 54 किलोमीटर लंबी, जिसको पार करने में ट्रेन लगाएगी लगभग लगभग 22 मिनट। आखिरी स्टेशन पे रुक चुकी है 2-4 मिनट पहले, और बाहर देखो बर्फ बर्फ बर्फ,
मजेदार मजा आने वाला है सपोरो में, मजेदार नजारे चल रहे हैं। अनाउंसमेंट भी हो रही है कि बस आठ सीजन आने ही वाला है हमारा। टनल के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से बस है अब 20 मिनट का रास्ता बचा है। हम पहुंच गए हैं भाई। अबे तो भाई हम पहुंच गए हैं हाकोडाटे, शिन हाकोडाटे स्टेशन। अब यहां से सपोरो अभी भी 3 घंटा दूर है लोकल ट्रेन से, क्योंकि ये स्टेशन ना जो शिनकानसेन है बुलेट ट्रेन उसका लास्ट स्टेशन है नॉर्थ में। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रेन की तरफ, JR लाइन है वो, तो हमारे लिए वो भी फ्री ही है। हमारी ट्रेन आएगी उस प्लेटफॉर्म पे और हमारे पास बचे मात्र 10 मिनट, पर ये ट्रेन भी है 3.5 घंटे की, तो कुछ खाने का एकदम से ले लेते हैं फटाफट ताकि हम भूखे ना मरे। यहाँ पे है शायद कुछ खाने वाने का, देखते हैं। कॉफ़ी मिलने में है हम असफल रहे, सिर्फ एक कॉफ़ी उठा लाए, ये तो यार उससे मिल जाती वेंडिंग मशीन, बल्कि यहाँ पे महंगी थी 160 की वेंडिंग मशीन, मेरे हिसाब से सस्ती मिलती। चलो कोई नहीं, देखते हैं यार वहाँ जाके खा लेंगे सपोरो। तो ये है भाई रैपिड ट्रेन जो हमको लेके जाएगी सपोरो, और इसमें भी मतलब सीट रिजर्व कराई है हमने और आएगी है 5-1 मिनट में। और ये ट्रेन भी है कुछ 3 घंटे की तो है, 5:30 बजे हम पहुंचेंगे शाम को सपोरो, क्योंकि वहाँ तक बुलेट ट्रेन जाती नहीं है, पर जापान वाले वहाँ तक भी बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्ट करने लग रहे हैं। मैं भी 4-5 साल बाद आओ तो वहाँ तक भी कर देंगे। 13:50 जो लिखी है यही है अपनी। आगे भाई अपनी ट्रेन, कार नंबर हमारा 2, इसमें है 2 रिजर्व्ड के, 1 फर्स्ट क्लास और 2 अनरिजर्व्ड के। ओ, अरे इसमें तो लोग बैठे हुए हैं। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन, द डर डोर ओपन ऑन टच। ओके 6B6C हमारी। ट्रेन की टॉयलेट और साफ सफाई तो यार टॉप नॉच लेवल पे रहती है इनकी, ये भी बिल्कुल साफ है। मतलब जब आखिरी तक आएंगे तब थोड़ी गंदी हो जाएगी, पर अभी तो बिल्कुल टॉप क्वालिटी। शिनकानसेन की मैं कभी और दिखा दूंगा, उसके वो वाले मिरर्स होते हैं जो होटल्स में होते हैं ना, शीशे के अंदर ही लाइट जो होती है, और बड़ी प्रीमियम होती है शिनकानसेन की टॉयलेट, तो ये भी बहुत बड़ी है भाई। और मैं मतलब दरवाजा खींच रहा था बंद करने के लिए, पर इसमें ये वाला ऑप्शन है, मैं इसको सरकार पर हो ही नहीं रही थी। हम रुके हैं किसी स्टेशन पर, बाहर जाने का मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि एक ही मिनट रुकती है ट्रेन यहाँ पे, और बाहर मतलब बर्फ़ नहीं, ओबे हो गया बंदे का, बर्फ़ नहीं गिर रही बाहर, मतलब थोड़ी बारिश ही हो रही है। तो भाई ये पहुंच गए हम सपोरो स्टेशन, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुझे जा रही भाप से निकल रही है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई बाहर बर्फ भी पड़ रही है अगर आपको दिख रहा हो तो। तो चलो चलते हैं बाहर, एक ट्रैम टाइप लेनी है होटल तक जाने के लिए और फिर पहुंच जाएंगे। भाई देखा जाए तो सपोरो का स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देखो मेरे को लग रहा था 2-3-4 ट्रैक होंगे, पर यहाँ पे
10 ट्रैक्स हैं, 10-11 ट्रैक हैं। अबे खाना खा लेंगे अभी? अभी नहीं, वहीं होटल चलते हैं, फिर आसपास खाएंगे कहीं पे। तो बर्फ भी तो गिर रही है, बर्फ भी तो देखें। तो अब हमको जाना है सबवे नाम को वो लाइन। अबे भाई यहाँ सपोरो में सबवे है तो भाई साहब मतलब इतने नहीं, इतना नॉर्थ में जाके इन्होंने। अच्छा काफी बड़ा शहर बता रहा है पंजाबी को, काफी पता है इसके बारे में। देखी जी इसकी फोटो इंटरनेट पे। okay. और अभी साले ट्रेन में देखा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ तो पर यार सबवे होना मतलब इतनी नॉर्थ में जाके बना दिया इन्होंने, है तो बड़ी बात। खैर देखो चलो चलते हैं, एग्जिट करते हैं पहले स्टेशन। तो भाई स्टेशन से बाहर हम निकल चुके हैं और यहाँ पे गिर रही है बर्फ। पंजाबी कैसा लग रहा है? पंजाबी तेज हो गई बर्फ है ना, तेज हो गई ना। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। तो उठाएगा नहीं तू मेरे को, गिर जाऊंगा तो। गिर गया तो उठाएगा नहीं, करवा के भी ला अपनी इंश्योरेंस। तूने अपना इंश्योरेंस देगा? बस बाद में जाके वापस मांग लेगा। एक मरते हुए बंदे से भी तू पैसे लेगा है? नहीं तो बच जाएगा, तब ठीक हो जाएगा ना। मर जाऊंगा तो नहीं लेगा? तो चलो सोच लूंगा, गए पैसे और दोस्त भी गया। ये कट कर दूंगा दोस्त भी गया वाला। और यहाँ पे गिर रही है मस्त बर्फ, देखो कितनी लेयर बन चुकी है। ये पंजाबी खड़ा है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। आज हमने ढूंढा रामेन रेस्टोरेंट, अभी तक मैंने शायद आपको रामेन नहीं दिखाई है। तो आज हमने ढूंढा रामेन रेस्टोरेंट और अभी भी मतलब बर्फ हाथ पे गिरती पिघल रही है यहाँ पे। अभी मतलब बर्फ जैसी कहीं पे भी गिर जाए, मतलब अगर कितना भी टेम्परेचर है तो कम से कम ये मान ले 7-8 डिग्री का ड्रॉप तो हो ही जाता है। मतलब कि अगर -7 है तो 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव में जाता है टेम्परेचर जब बर्फ़ गिरती है। तो ये देखो गाड़ियाँ कैसे कवर्ड हैं भाई बर्फ़ में पूरी। और आगे देखो आपको सही दिख रही होगी। ओहो हो भाई साहब, ये खड़ी रेड लाइट है ना। हाँ आ गए हम रामेन रेस्टोरेंट में और यहाँ पे इंग्लिश मेन्यू भी दे दिया हमको। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, टोमेटो सेसमे नूडल्स विद कम्प्लीट चिकन, और ये हलाल रेस्टोरेंट है। और ये कहती कि अगर मतलब आपको स्पाइसी खाना है ना तो हम इसमें चेंज कर देंगे, क्या कहते हैं नूडल्स चेंज कर देंगे, चेंज टू रेड पेपर नूडल, ये स्पाइसी वाली हो जाएंगी। कुछ फ़ोटो भी दिखाई थी उसने ऐसी लाल लाल। चलो करा लेंगे स्पाइसी और क्या। तू क्या ले रहा है? देखो ये आया पंजाबी का, क्या है ये चिकन। अब रुक जा फोटो खींचनी थी, रुक जा करना। चिकन नूडल और टोमेटो सूप। तो ये चिकन है, ये नूडल्स है, ये टोमेटो सूप है, ये थोड़ा मतलब सेसमे है इसमें। क्या सेसमे? क्या ओपन सेसमे? ये देखो जो पड़ा ऊपर, मतलब पत्ता है ये। अबे पत्ता नहीं, ये जो चूरा पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा आ गया भाई। मतलब हमने कहा दो मंगा लेते हैं, अगर वो पसंद दोनों ट्राई कर लेंगे। एक ही मंगा मैं पहले ही मंगाने वाला था, फिर मैंने कहा चलो ये मंगा लेते हैं। ये है चिकन करी और ये चावल। मतलब जैपनीज लोग करी बहुत ज़्यादा खाते हैं यार। कैसा है? बढ़िया है, मस्त मज़ा आ गया। और इनका फोक देखो थोड़ा अलग सा है, तीन डंडियों वाला।